नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। नालंदा शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। रजनीश किरण की रिपोर्ट नालंदा से। अभी एक बड़ी खबर नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना इलाके से आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट से एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। हालांकि दमकल की छोटी गाड़ी द्वारा भी आग बुझाने का प्रयास किया गया, मगर आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल के यहां गाड़ी नाकाफी साबित हो रही थी। सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान के संचालक मुन्ना कुमार ने बताया कि आसपास के लोग धुएं के गुब्बार उठता देख उन्हें इस बात की जानकारी दी। जब आकर देखें तो आग इतनी भयंकर रूप ले चुकी थी कि ऊपर जाना मुश्किल हो गया था। पीड़ित तो दुकानदार की माने तो दुकान में फ्रिज, एसी, कूलर, एलसीडी बैटरी और इन्वर्टर रखा हुआ था, जो सब कुछ जलकर खाक हो गया। करीब 10 से 15 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के बावजूद शॉर्ट सर्किट से इतनी भयंकर आग लगी की घटना होने पर स्थानीय लोगों तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छा, आग कैसे लगा है सर, कुछ पता है? जी जी, क्या चीज़ का दुकान था? बिजली से संबंधित दुकान था, जैसे ए सी थे, फ्रीजर थे, कूलर थे, पंखा थे, यही सब थे। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? और गाड़ी आग लगी है भैया। अच्छा, कैसे आग लगा है? वो बिजली का लाइन के कारण लगा। कौन कौन दुकान, क्या चीज़ का दुकान है? टीवी का था, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सामान था, फ्रिज सब यही सब था। अच्छा, कहाँ, कौन सा जगह है? बाजार पर बोलते हैं, बगल में। कहाँ कहाँ? इस्लामपुर पटना रोड। क्या नाम है? हमारा विनोद दास। लाइन से हुआ सर। अच्छा, कैसे आग लगा? अच्छा, क्या चीज़ का दुकान है? शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा, उसका मालिक अभी कहाँ है? क्या नाम हुआ भैया?